देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और आपके साथ मैं हूं राशिका। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट हारते ही भारत का सीरीज जीतने का सपना तो टूट गया, लेकिन विराट कोहली का कप्तान का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बर्ताव था, क्या वो व्यवहार सही था या गलत था, आज हम जानेंगे पब्लिक से। चलो आप मुझे ये बताओ, विराट कोहली को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि अनुष्का अच्छा खाना नहीं बनाती। विराट कोहली को इतना गुस्सा क्यों आता है? पहला कारण तो ये है कि वो दिल्ली का है, दिल्ली का। दिल्ली का लौंडा है। दिल्ली का लौंडा है तो गुस्सा आता है। पक्का। एक्सट्रीम दिल्ली का लौंडा है। उसमें हार वो आदत है जो दिल्ली के लौंडों में होती है। क्रिकेट फॉलो करते हो भैया? जी जी। विराट कोहली को इतना गुस्सा क्यों आता है? पता नहीं मैम, इस बारे में कुछ। इंडिया का मैच चल रहा है, पता है आपको? नहीं, अभी देखा नहीं। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या ये आपकी बेस्ट 11 है, उन्होंने बोला कि आप बता दो बेस्ट 11 आपकी, मैं वही खिला दूंगा अगले मैच में। तो क्या उनका ये आंसर जो था ये ठीक था या वो उसको शांत तरीके से भी समझा सकते थे? नो डाउट बहुत गलत आंसर था, और वही बात है कि एग्रेशन फील्ड पे ही हो तो ज़्यादा बेटर है। टीम इंडिया को फॉलो कर रहे हो भैया आप, क्रिकेट फॉलो करते हो? हाँ करते हैं। विराट कोहली को इतना गुस्सा क्यों आता है? उनके मतलब आक्रमणता ज़्यादा है ना, आक्रमणता के लिए गुस्सा करते हैं, खिलाड़ियों के ऊपर गुस्सा आएगा ही, खाली शतक क्या वही मारे। उन्होंने तो मीडिया पे गुस्सा निकाल दिया सारा अपना। मीडिया पर निकालने का उनका कारण था ना, वो कुछ कर नहीं पाए, उनसे अच्छा तो काम हार्दिक पांड्या ने कर दिया था। विराट कोहली से अच्छा? नहीं मतलब जैसे रोहित शर्मा हैं, इनको भी कुछ करना चाहिए, और हैं मुरली विजय, ऐसे लोग, ये लोग कुछ कर नहीं पाए। उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, और 120 करोड़ लोग हैं हमारे कंट्री में, तो उनका भी प्रेशर है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और पहली बार है ना बाहर गए हैं, है ना, अब आप 3 मैच या 2 मैच पर जज नहीं कर सकते किसी को, तो आगे अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप टाइम देंगे किसी प्लेयर को तब भी। विराट कोहली फैन हूं, इंडियन टीम फैन हूं।